बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं अरब न्यूज़ उर्दू। जिनका इकामा और वीज़ा वैलिड है वो सऊदी अरब कब वापस जा सकेंगे? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं और अंदरूने मुल्क फिजाई और ज़मीनी सफ़र पर भी पाबंदी उठा ली गई है। अंदरूने मुल्क फिजाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैरूने मुल्क फिजाई सफर बहाल नहीं की गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुतल्लिका वज़ारतों के साथ मामलात ज़ेरे गौर हैं, हालात जब इस नहज पर आ जाएंगे तो बैरूने मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर सच है, अब वही अफराद सऊदी अरब वापस जा सकेंगे जिनका इकामा और वीज़ा वैलिड होगा और वो भी तब वापस जाएंगे जब कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्या ये सच खबर है? तो देखें, ऐवान शाही की जानिब से जारी अहकामात में इन गैर मुल्कियों के इकामा और एग्जिट री एंट्री खरूज अहदा में 3 माह की तोसी कर दी गई है, जो कोरोना वायरस की वजह से आयद होने वाली पाबंदियों के बैस मुमलकत नहीं आ सकते। जारी होने वाले शाही अहकामात के बाद मुमलकत से छुट्टी पर गए हुए तमाम गैर मुल्की कारकुन जिनके खरूज अहदा एग्जिट री एंट्री जैदुल मियाद हो गए थे, उन्हें बगैर किसी फीस के मजीद 3 माह की तोसी दे दी गई है और जिनका इकामा एक्सपायर हो रहा था वो भी इस शाही हुक्म से मुस्तफीद हो सकेंगे। जहां तक वापसी के हवाले से सवाल है तो इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 3 माह तक सऊदी अरब ही नहीं दुनिया भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला रहा, जिसकी वजह से आलमी सतह पर सफरी पाबंदियां ऐद की गई हैं। हालात का जायजा लेने के बाद सऊदी हुकाम की जानिब से इस बारे में जैसे ही तफसीलात जारी होंगी तो हम वीडियो के जरिए आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।